नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। उत्तराखंड स्पेशल में हमने सबसे पहले कुमाऊं के चंद वंशों को देखा, उसके बाद गढ़वाल में परमार वंशों को, और इसके बाद अब हम देख रहे हैं गोरखा शासन में। ठीक है, तो आधुनिक काल में हमने किसको देखा? गोरखा शासन को। तो जो कर्नल निकोलस थे और कर्नल गार्डनर थे, इन्होंने अप्रैल 1815 में कुमाऊं के अल्मोड़ा जिले को, और एक और जनरल थे जनरल ऑक्टर लोनी ने 15 मई 1815 को मलाव का किला जो है वो जीत लिया। और वहां पे इस टाइम पे किसका शासन था? सरदार अमर सिंह थापा का। ठीक है, तो कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर ने 1815 में कुमाऊं का अल्मोड़ा किला जीत लिया, और उसके बाद ऑक्टर लोनी ने 18 मई 1815 में मलाव का किला जीत लिया। किससे जीता? सरदार अमर सिंह थापा से। ठीक है, उसके बाद देखिए 27 अप्रैल 1815 को कर्नल गार्डनर और नेपाली गोरखा शासक बमसाह के बीच में एक संधि हुई, और उस संधि के तहत जो कुमाऊं की जो सत्ता थी अंग्रेजों को सौंप दी गई। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो अप्रैल 1815 में अल्मोड़ा किला किसने जीता था? कर्नल निकोलस ने और कर्नल गार्डनर ने। उसके बाद ऑक्टर लोनी ने 15 मई 1815 को कौन सा किला जीत लिया था? मलाव किला। ठीक है, उसके बाद 27 अप्रैल 1815 में कर्नल गार्डनर और जो आपके गोरखा शासक बमसाह थे उनके बीच में एक संधि हुई, और संधि के तहत अंग्रेजों को कुमाऊं की पूरी सत्ता सौंप दी गई। ठीक है, उसके बाद आता है अमर सिंह थापा की जब हार के बाद जो है गोरखा और अंग्रेजों के बीच जो संधि हुई, तो 28 नवंबर 1815 को संगौली की संधि के नाम से उसको हम जानते हैं। ठीक है, 28 नवंबर 1815 और संगौली की संधि किसके बीच हुई थी? बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं कि संगौली की संधि किसके बीच हुई थी, तो गोरखाओं के बीच और अंग्रेजों के बीच, गोरखा और अंग्रेजों के बीच में संगौली की संधि हुई थी, जो कहाँ पे है? चंपारण बिहार में। ठीक है, तो अमर सिंह थापा की हार जब हो गई, तो उसके बाद गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य में एक संधि हुई जिसको हमने संगौली की संधि कहा। और इस संधि जो संगौली की संधि थी, तो इसको जो थी नेपाल सरकार जो है इस संधि को मान नहीं रही थी, तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, अंग्रेजों ने फरवरी 1816 में नेपाल पर क्या कर दी? चढ़ाई कर दी, और चढ़ाई करने के बाद काठमांडू के पास गोरखाओं को पराजित कर दिया। ठीक है, तो जो संगौली की संधि थी अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच हुई थी, तो संगौली की संधि को नेपाल शासन सरकार जो है स्वीकार नहीं कर रही थी, वो इस संधि को मान नहीं रही थी। तो 1816 में अंग्रेजों ने क्या किया, काठमांडू पे गोरखाओं को काठमांडू में पराजित कर दिया, और जिससे क्या हो गई, जिससे नेपाल सरकार ने संगौली की संधि को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। ठीक है, इतना देख लीजिए। अब देखिए संगौली की संधि की मुख्य बातें क्या क्या थी। तो संगौली की संधि में गोरखाओं ने अपनी दक्षिणी सीमा के किनारे की निचली जो भूमि थी उस पर अपने अधिकार का जो दावा है वो छोड़ना स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो गोरखाओं ने अपनी दक्षिणी सीमा के किनारे की निचली भूमि पर अपना दावा छोड़ना जो है वो स्वीकार कर लिया। गढ़वाल और कुमाऊं के जिले अंग्रेजों को सौंप दिए, और गढ़वाल और कुमाऊं के जो जिले उनके अंडर में थे, जो उनके अंतर्गत थे, उन जिलों को उन्होंने क्या करा, अंग्रेजों को सौंप दिया। जो गोरखे जो सिक्किम में थे, तो सिक्किम से जो गोरखे हैं वो हट गए, तथा काठमांडू में जो है एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना उन लोगों ने स्वीकार किया। ठीक है, तो सिक्किम में भी जो गोरखा थे, सिक्किम से गोरखे हट गए, और काठमांडू में उन्होंने एक सिक्किम रेजिमेंट को रखना स्वीकार किया। ठीक है, और गोरखाओं को ब्रिटिश सेना में जो है भर्ती पे सहमति बनी। ठीक है, यानी कि गोरखा भी ब्रिटिश सैनिकों में शामिल हो सकेंगे, इस बात पे क्या बनी, सहमति बनी। उसके बाद है कुमाऊं और गढ़वाल पे जो है गोरखाओं का जो शासनकाल था बहुत ही ज्यादा अन्याय और अत्याचार से भरा हुआ था, यानी कि गोरखा जो थे बड़े निर्दयी थे, मतलब उन्होंने बहुत क्रूर टाइप के व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा अन्याय किया था।
तो कुमाऊं में उन्होंने 25 वर्षों तक शासन किया और गढ़वाल में उन्होंने 10.5 वर्ष तक शासन किया। तो जो इनका जो शासन काल इस बीच का यहाँ था, इसको यहाँ जो लोक भाषा है, जो यहाँ की उत्तराखंड की लोक भाषाओं में से गोख्याली कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, गोख्याली। ठीक, तो देखिए कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का जो शासन काल था, कुमाऊं में 25 वर्ष और गढ़वाल में 10.5 वर्ष, ये बहुत ही अन्याय एवं अत्याचार पूर्ण रहा। ठीक है, और इस अत्याचारी शासन को यहाँ की लोक भाषा में क्या कहते हैं, गोख्याली, क्या कहते हैं, गोख्याली। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस गोरखाओं के शासन काल को यहाँ की आम भाषा में, लोक भाषा में क्या कहा जाता है, तो गोख्याली। ठीक है, प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। उसके बाद आता है अंग्रेजों का शासन। तो 1815 में कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद जो है तिहरी रियासत को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर उत्तर पूर्वी प्रांत का भाग बना दिया। ठीक है, 1815 में जब अंग्रेजों का कुमाऊं पर अधिकार हो गया तो इन्होंने इस पे नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर, तिहरी को छोड़ के बाकी सारे प्रांतों पर नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर उत्तर पूर्वी प्रांत का भाग जो है इसको बना दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कुमाऊं जनपद का गठन किया और गढ़वाल नरेश से लिए गए क्षेत्रों को कुमाऊं का परगना बना दिया। ठीक है, देहरादून को 1815 में सहारनपुर में मिलाया गया। इसके बाद इन्होंने देहरादून को 1815 में किस में मिला दिया, जो अभी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर है, तो सहारनपुर में मिला दिया। ठीक है, 1840 में गढ़वाल का जो मुख्यालय था, ठीक है, गढ़वाल का जो मुख्यालय था श्रीनगर से हटाकर कहाँ ला दिया इन्होंने, पौड़ी लाकर मिला दिया और पौड़ी गढ़वाल नामक जनपद का गठन किया। ठीक है, तो किसका जन क्या बनाया इन्होंने, जो श्रीनगर, इससे पहले 1840 से पहले श्रीनगर जो गढ़वाल की राजधानी थी, तो श्रीनगर से इन्होंने राजधानी को हटाकर पौड़ी नामक एक जनपद था वहां पे मुख्यालय बनाया और वहां पे उसको एक नया जनपद का, पौड़ी को एक नए जनपद का नाम दे दिया, पौड़ी गढ़वाल, और पौड़ी गढ़वाल नामक जनपद का गठन किया। कब, 1840 ईस्वी में। 1854 में नैनीताल को कुमाऊं का मुख्यालय बना दिया इन्होंने, 1854 में नैनीताल को जो है वो कुमाऊं का क्या बना दिया, मुख्यालय बना दिया। फिर है 1891 में कुमाऊं के अल्मोड़ा व नैनीताल नामक दो जिलों में इन्होंने क्या करा, विभाजित कर दिया। ठीक है, 1891 में कुमाऊं को अल्मोड़ा तथा नैनीताल के दो जिले बना दिए। ठीक, अब कितने जिले हो गए, एक पौड़ी गढ़वाल, एक अल्मोड़ा और एक नैनीताल। ठीक है, अब स्वतंत्रता तक कुमाऊं में केवल 3 ही जिले थे, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा व नैनीताल। ठीक है, जबकि टिहरी गढ़वाल एक रियासत के रूप में सामने आ गया। ठीक है, 1891 में नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1891 में नॉन रेगुलेशन प्रांत को सिस्टम को भी समाप्त कर दिया गया। फिर आता है 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का गठन कर उत्तरांचल को इसी में मिला दिया गया। ठीक है, तो 1902 में जो है आगरा और अवध का गठन करके उत्तरांचल को किस में मिला दिया गया, इसी में मिला दिया गया। ठीक है, जनवरी 1950 में इसको, उत्तरांचल को उत्तर प्रदेश का एक सेपरेट जिला बना दिया, एक अंग बना दिया गया। ठीक है, 1904 में नैनीताल गजेटियर में इस राज्य को हिल स्टेशन नाम दिया गया। 1904 में नैनीताल गजेटियर में इस राज्य को हिल स्टेशन का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो इस हमने इससे पहले कुमाऊं पे शासन देखा चंदू का, फिर परमार गढ़वाल पे शासन देखा, उसके बाद गोरखाओं का देखा, उसके बाद अंग्रेजों का। ठीक है, तो ये इसके बाद हम आते हैं स्वतंत्रता के काल का, स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने लड़ाई की थी उसके काल को हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।